राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्रोम में जो सर्च हिस्ट्री होते हैं उसको डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चले जाएंगे, क्रोम को ओपन कर लेंगे। ये रहा क्रोम, और उसके बाद यहाँ से जाना है थ्री बिंदु वाले में, इसको कर लेना है क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद चले जाएंगे हिस्ट्री में। ठीक है, इसमें सारा सर्च हिस्ट्री रहता है, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे और जो भी हिस्ट्री रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके अगर करेंगे तो यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ही बार में करना है, तो उसके लिए यहाँ से चले जाएंगे क्लियर ब्राउजिंग डाटा में। ठीक है, इसको कर लेंगे क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा बेसिक वाले में जाएंगे, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिक वाले में ये तीनों को क्लिक कर लेना है। ठीक है, हमारा हो रखा है, तो इसी तरह से तीनों को क्लिक कर लेना है। और इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा एडवांस वाले में जाएंगे और यहाँ पे ऑल टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है। इसको ऑल टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है और ये यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सही का निशान दे देना है। यहाँ भी क्लिक कर देना है, यहाँ पे भी क्लिक कर देना है, लेकिन यहाँ पे सेव पासवर्ड वाले पे नहीं करना है। फिर यहाँ पे भी कर लेना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेव पासवर्ड वाले को छोड़ करके सबको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से क्लियर डाटा वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो क्लियर का ऑप्शन आएगा, तो इसको फिर से क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं हम डिलीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री में फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ भी डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्रोम का जो भी सर्च हिस्ट्री होता है आप भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए बताइए कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।